हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर के लेक्चर नंबर 6 की, और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। ओके, तो सेक्शन फार्मूला में हम लोग सीखेंगे इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या सेक्शन फार्मूला है और इंटरनल डिवीजन और सेक्शन फार्मूला के जो दो पार्ट हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, ये क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चलिए सीखते हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले है सेक्शन फार्मूला, है ना। और यहां पर सेक्शन फार्मूला में आप देखिए लिखा यह गया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। देखिए ए का पॉइंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, एंड बी इज वेक्टर बी, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। इफ आर, आर कोई पॉइंट है, है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया वेक्टर आर, है ना, आर कोई पॉइंट है, ए और बी जो दो पॉइंट है, ए का भी पोजीशन वेक्टर बोल रखा है, बी का भी बोल रखा है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिए, है ना, तो ए बी आ जाएगा, ए बी एक लाइन आ जाएंगी, है ना, और इसी ए बी लाइन पर आर कोई पॉइंट है, है ना, आर कोई पॉइंट है जिसका मैंने माना है कि इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, तो यही पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, यही जो आर पॉइंट है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एम रेशियो में डिवाइड करता है। आर डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ए ए एंड बी इन एम रेशियो एन। बोला ये क्या है कि आर जो है ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। किस तरह का डिवीजन करता है, इंटरनली डिवीजन, है ना, इंटरनली डिवीजन करता है। इंटरनली का मतलब ये हुआ कि ए और बी दो जो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो है आर पॉइंट डिवाइड करता है इंटरनली। इसका मतलब ये हुआ कि आर पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो आर पॉइंट ए और बी जो लाइन है, ये ए बी जो लाइन है, इसी लाइन के बीच में कहीं पर होगा, है ना, इस लाइन के बीच में कहीं पर होगा, बीच में कहीं पर मतलब बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं पर भी हो सकता है, बीचों बीच भी हो सकता है, कहीं और जगह भी हो सकता है। ओके, आर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये कहा गया है कि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, तब कोई आर पॉइंट है, है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने वेक्टर आर माना है, और ये जो आर पॉइंट है ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो है एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। ओके, तब जो है आर पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। एम पहला रेशियो लेंगे तो दूसरा वाला वेक्टर लेना है, बीच में प्लस, दूसरा रेशियो लेंगे तो पहला वाला वेक्टर लेना है, डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम। ओके, ये आप जिसे आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, एक्स इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, है ना। सिमिलर वे से यहां पर भी वेक्टर में ही, वेक्टर में भी है, वहां तो एक्स और वाई आता था, यहां पर सिर्फ पोजीशन वेक्टर आता है, है ना। तो वेक्टर आर इक्वल क्या आ जाएंगे, पहला पहला अगर रेशियो लेंगे तो दूसरा वेक्टर लेंगे एम वेक्टर बी, प्लस दूसरा रेशियो लेंगे तो पहला वेक्टर लेंगे, डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम हो जाएंगे। ओके, तो ये रहा आपका आर पॉइंट। तो जब भी सवाल किस तरह से जनरेट करेगा, यूं जनरेट करेगा कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखेगा, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखेगा, और बोला जाएगा कि ए और बी के बीच में कोई कोई कहीं पर जो है आर एक पॉइंट है जो इसको जो समथिंग रेशियो में डिवाइड करता है, 3:4, 4:5 कुछ भी दे देगा, मैं डिवाइड करता है, तब आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, मतलब आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, यूं सवाल रहेगा। ओके, तो हम लोग सवाल को देखेंगे भी, है ना, अब फिलहाल तो फॉर्मूला ध्यान रखना, वेक्टर आर इक्वल एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, सिमिलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिमिलर मैच खाता हुआ फॉर्मूला है। ओके, पहला रेशियो तो दूसरा वेक्टर, दूसरा रेशियो तो पहला वेक्टर, डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम। ओके, अब नेक्स्ट जो है आर इज मिड पॉइंट, है ना, अगर आर मिड पॉइंट हो गया, है ना, ये जो आर है ये मिड पॉइंट का मतलब ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच में हो गया, आर जब मिड पॉइंट हो गया, आर जो पॉइंट हो गया क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये जो आपका आर है, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, और आर जो पॉइंट है ये बिल्कुल बीचों बीच में हो गया, तो इसका मतलब इधर जितना पार्ट है उतना उधर भी हो गया, है ना, ये M है ये N है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R अगर मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब A और B के बिल्कुल बीच में हो गया, तब क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा, कहे तो क्या होगा, M इक्वल N होंगे। ओके, तो R इज मिड पॉइंट देन M इक्वल N, यही लिखा गया है कि R जब मिड पॉइंट होगा तो M N के इक्वल आएगा, और R जो होता है, आर जैसे आर कोई भी है, आर ये मिड पॉइंट होगा, लेकिन आर अगर ये आपका इस आर पोजीशन वेक्टर को निकालना, तो ये फार्मूला लगाकर निकालेंगे, है ना,
तो तब उसके बाद मिड पॉइंट का कंडीशन लगाएंगे। ये पोजीशन वेक्टर आर का क्या फॉर्मूला है, एम वेक्टर बी एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ओके ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में मुझे पता है कि एम एम बराबर क्या है, एन है, एम इज इक्वल टू एन, तो जहां भी एम है उसके जगह पर क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, ओके। उसके बाद देखेंगे सिंप्लीफाई करते हुए क्या आता है, वेक्टर आर इक्वल एम के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एन, एन वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एन प्लस एन, है ना। एम के जगह पर क्या लिख दिया गया, एन, है ना, जहां भी यहां पर भी एन लिख दिया, यहां पर भी एन लिख दिया, बाकी एन को एन ही रहने दिया, ठीक है, क्योंकि आपको किसी एक में चेंज करना है, या तो हर किसी को एन में या तो हर किसी को एम में, तो मैंने एन में चेंज कर दिया। अब यहां ऊपर से एन कॉमन आ गया, नीचे एन प्लस एन टू एन हो गया, एन एन कैंसिल, बी प्लस ए बाय टू, है ना, बी प्लस ए बाय टू कहे तो ए प्लस बी बाय टू, है ना। जब आपका आर मिड पॉइंट हो जाएगा, आर जब मिड पॉइंट हो जाएगा, आर दो दो पॉइंट है, दो का ए और बी पॉइंट है, और उसके बीच में आर कोई मिड पॉइंट हो जाएगा, तब आर जो मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय टू, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है ना, पोजीशन ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ओके। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा कि हाँ ए पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर ये है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है और आप जो है मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर दिस प्लस दिस बाय टू कर देंगे तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे, ओके। तो जब भी आपको मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है ना, जब भी मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो यही फार्मूला लगेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय टू, है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, किसका पोजीशन वेक्टर है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब नेक्स्ट, ये तो इंटरनल डिवीजन रहा, ये फार्मूला, जब आर मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये फार्मूला आ जाएंगे, और इसके बाद जो है हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में ये कहा गया है कि इफ आर डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इन एम रेशियो एन एक्सटर्नली, बोला है कि ए और बी यही पॉइंट है ना, यही है ए और बी, ए का पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए और बी का पोजिशन वेक्टर वेक्टर बी, तब बोला है कि आर जो है इन दोनों ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो है एक्सटर्नली जो है एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, बाहर से, है ना, एक्चुअल में बाहर से कोई एक्चुअल डिवीजन नहीं होता है, हाइपोथेटिकल डिवीजन है ना, माना गया डिवीजन है कि आर कोई पॉइंट बाहर में है और इस ए बी लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, ओके। तो आप देखिए यहां पर जैसे ए से आर तक एम है और फिर R से B तक क्या है N है, यहां पर भी वही बात है, A से R तक क्या है देखिए M है और B से R तक क्या है N है, देखिए ना, A से R तक क्या है M, तो वहां पर भी मैंने A से R तक पहुंचा करके M और B से R तक या R से B या B से R तक N है, तो यहां पर भी देखिए B से R तक क्या है N है, ओके। तो सेम चीज है, और फिर तब जो है R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, है ना, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आएगा क्या आ जाएंगे, R इक्वल एम वेक्टर बी एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। जिस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, बीच में माइनस आता है, उसी तरह से यहां पर जो है वेक्टर में भी सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए वैसे ही रहता है, लेकिन यहां पर भी बीच में माइनस आता है, है ना, इंटरनल डिवीजन के लिए बीच में प्लस है और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या हो जाता है, बीच में माइनस हो जाता है, ओके। तो ये दोनों बेसिकली आपको फार्मूला याद रखना है ना, इसका डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना, किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, तो इसलिए आपको जो है अभी फिलहाल जो है आपको क्या करना है, ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला, तीनों फार्मूला याद रखना है, है ना। और बेसिकली याद क्या रखना, याद तो हो ही गया होगा, सिंपल सा फंडा है, है ना, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे हैं वही सारी चीजें, ओके। तो दोस्त आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके सवाल के ऊपर हम लोग आएंगे कि इस पर किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, ओके। तो पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोगों ने जो सेक्शन फार्मूला पढ़ा उसके ऊपर जो जो सवाल बन सकते हैं, अब हम लोग सवाल के ऊपर आते हैं, ओके। तो सेक्शन फार्मूला में हम लोग इंटरनल डिवीजन को पढ़ा, फिर से मैंने लिख दिया, ठीक है ना, ये आपका इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है, अगर आर मिड पॉइंट रहा तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय टू, है ना, ये भी हम लोगों ने देखा, और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये चीज है, ओके। तो अब मैंने लिख दिया ताकि आपको सवाल बनाने में जो है सामने में रहेगा तो उसको समझने में सुविधा होगी, इसलिए मैंने बगल में साइड में लिख दिया, ओके। अब ये सवाल ये है, सवाल के ऊपर आते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, बोला कि आर का पोजीशन वेक्टर निकालिए, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी, है ना, दो पॉइंट दे रखा है ए और बी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो है आर पॉइंट डिवाइड करता है ना,
और r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही निकालने बोला है, ओके है ना। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 है ना। r पॉइंट जो है a और b पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, तब r पॉइंट को निकालने के लिए बोला गया, मतलब r पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए बोला गया, ओके। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, सवाल क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r, r का पोजीशन वेक्टर निकालने बोला है, व्हिच डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स a एंड b, बोला कि जो a और b जो दो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता है ना, किस रेशियो में, 2:1 में है ना। एक बार इंटरनली डिवीजन करता है, दूसरी बार में एक्सटर्नली डिवीजन करता है, ओके। तो पहले हम लोग तो इंटरनल डिवीजन के ऊपर आते हैं, है ना। आर बीच में कहीं पर होगा, है ना, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अब हमें आर पॉइंट का मैंने पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर माना है, मान लिया इसी पोजीशन वेक्टर आर को निकालने के लिए बोला गया है ना, तो क्या करना है आपको, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज वेक्टर आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो आर जो आ जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला से इंटरनल डिवीजन हो रहा है यहां पर, है ना, इंटरनल डिवीजन एक नंबर में, फर्स्ट नंबर में इंटरनल डिवीजन है। तो इंटरनल डिवीजन के लिए क्या फॉर्मूला है ना, इंटरनल डिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, वेक्टर आर इक्वल एम वेक्टर बी, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ओके। तो m m के जगह पर आपका क्या है, 2 है। वेक्टर b, वेक्टर b देखिए दूसरा वाला है ना, ये दूसरा वाला है ना, ये दूसरा वाला, तो दूसरा वाला यहां पर m वेक्टर b, वेक्टर b के जगह पर माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ओके। प्लस n वेक्टर a, n के जगह पर 1 इनटू वेक्टर a, वेक्टर a क्या है, ये वेक्टर i प्लस वेक्टर j माइनस वेक्टर k, ओके। और m वेक्टर b प्लस n, n के जगह पर 1 था, वेक्टर a पहला वाला लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या होगा, m प्लस n है ना, दोनों का सम, ये प्लस ये 2+1, ओके। अब जो है माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ओके। और फिर जो है यहां पर 1i कैप 1j कैप माइनस 1k कैप बाय क्या जाएंगे, 2+1 3, ओके। अब यहां पर देखिए आई कैप वाला माइनस टू आई कैप और यहां पर आई कैप, माइनस टू आई कैप में एक आई कैप गया तो माइनस आई कैप हो जाएंगे, और 2j कैप प्लस 1j कैप, कितना j कैप, 3j कैप, और 2k कैप माइनस 1k कैप में चला जाएगा एक k कैप, तो k कैप बच जाएंगे बाय क्या आ जाएगा, 3, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया, ये इंटरनल डिवीजन के लिए आंसर आ गया, ओके। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है, है ना, फिर हम एक्सटर्नल डिवीजन के लिए देख लेंगे, ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जो है नेक्स्ट एक्सटर्नल डिवीजन सेकंड नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि आर जो पॉइंट होगा इन दोनों लाइन पर नहीं स्थित होकर दूसरे जगह पर, मतलब इस लाइन के बाहर आउटसाइड होगा, ओके। तो खैर मैं इसको रब कर दूं, सिंपल है ना, आपको जो फार्मूला लगाना उसमें सिर्फ माइनस आता है। और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको सटा कर लिखता हूँ, जगह कम है उधर, तो 2:1, ठीक है, इधर 1 है और इधर b लिख देता हूँ, b जो है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ओके। और फिर डॉट डॉट टू r, ठीक है, ये R है, R पॉइंट जो है ये एक्सटर्नल डिवीजन करता है A और B पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को। तो किस रेशियो में, 2:1 में, मतलब A से R तक 2, A से R तक 2 और रेशियो 1, मतलब फिर क्या है, B से R तक 1, ये आ जाएंगे 1, ओके। अब जो है यहां पर क्या हो जाना है, अब फार्मूला लगा देता हूं, वेक्टर R बराबर क्या आ जाएंगे, एक्सटर्नल डिवीजन का क्या होता है, m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है, फार्मूला सिमिलर है, प्लस के जगह पर माइनस n। तो m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m माइनस n, तो m वेक्टर b, m ये पहला रेशियो, तो दूसरा वाला वेक्टर ये है ना, दूसरा, पहला रेशियो लेंगे तो दूसरा वाला वेक्टर, दूसरा रेशियो लेंगे तो पहला वाला, तो पहला रेशियो लिए तो दूसरा वाला माइनस i प्लस j प्लस k, ओके, माइनस है ना m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a, n के जगह पर 1, वेक्टर a के जगह पर क्या है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बाय क्या होंगे, m माइनस n,
m के जगह पर 2 माइनस 1, ओके, माइनस 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप बाय 1। अब माइनस 2 i माइनस i क्या जाएंगे, माइनस 3 i, 2 j माइनस j प्लस j, 2 k प्लस k, कहे तो कितना k, 3 k, ओके बाय 1, 1 तो कहे तो कुछ नहीं है ना, खत्म, 1 से किसी भी चीज में डिवाइड करते वही चीज, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया माइनस 2 i कैप और प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, इधर माइनस से सब में आ गया, माइनस 2 i माइनस i माइनस 3 i, 2 j माइनस j प्लस j है ना, और 2 k प्लस k 3 k, ओके। तो इंटरनल डिवीजन रहेगा तो बीच में प्लस आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे की सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ओके। खैर ये तो लिखा ही होगा आपके, है ना, पहले इसको जो देखे हम लोग, इधर का सिर्फ स्क्रीनशॉट इधर को फोकस करना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है लिखा ये गया है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द, केसी सिन्हा के सवाल है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग पी 2i प्लस 3j प्लस 4 वेक्टर के एंड q 4i प्लस j माइनस 2 वेक्टर के, ठीक है। ये सवाल है, बोले कि मिड पॉइंट बताना है इसका, तो मिड पॉइंट सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, तो p मान आपका ये, इसको p मान लेता हूं, ठीक है, p जो है 2i प्लस 3j प्लस 4 वेक्टर के और q जो है आपका, q क्या है, 4i प्लस j माइनस 2 वेक्टर के, ओके। अब ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट का, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालो, मध्य बिंदु, ठीक है ना, r का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर r मान लेते हैं, मिड पॉइंट का मतलब ये बीच में है, तो वेक्टर r इक्वल क्या आ जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b / 2, है ना, वेक्टर a पहला वाला, वेक्टर b दूसरा वाला होता है ना, कहे तो दिस प्लस दिस / 2 हो जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको मान लीजिए वेक्टर a और बराबर दिस और वेक्टर भी बराबर दिस, ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल है ना क्या कर सकते हैं, a प्लस बी बाई टू, वेक्टर a प्लस बी बाई टू होता है ये फार्मूला, तो a के जगह पर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4 वेक्टर के और वेक्टर प्लस वेक्टर b के जगह पर 4i प्लस j माइनस 2 वेक्टर के बाई 2 है, 2 प्लस 4 6i, 3 प्लस 1 4j और 4k माइनस 2k प्लस 2k बाय 2, 2 एल कॉमन ले सकते हैं, 2 3 जा 6 आ जाएंगे, 2 2 जा 4 आ जाएंगे प्लस k, ठीक है, और बाय 2 ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएंगे, 3i प्लस 2j प्लस k, ओके, ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलिए ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है छोटा सा रिकैप है, जैसे आपका जो है ये ट्रायंगल, इसको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है, और ए जैसे ये ट्रायंगल है और इसका वर्टेक्स एबीसी है, ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है, ठीक है। अगर इसका सेंट्राइड का अगर पोजीशन वेक्टर निकालने बोला जाए, मान लेते हैं कि सेंट्राइड जी है, इसका वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, सेंट्राइड का पोजीशन वेक्टर निकालने बोला जाए तो क्या होगा, वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर कर देना, प्लस कर देना, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाय क्या कर देंगे, 3, है ना,
बाय क्या कर देना है, 3 कर देना। ओके, तो जिस तरह से आप केंद्रक निकालते थे है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसका आपका कोऑर्डिनेट दे रखा होता है ना, इसका भी दे रखा होता है, इसका भी ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट दे रखा होता है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्या होता है, आप सेंट्राइड निकालते हो, केंद्रक निकालते हो, क्या होता है, x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 3 होता है, होता है या नहीं होता है, है ना। वहां पर x और y दोनों कोऑर्डिनेट आता है, यहां पर पोजीशन वेक्टर सिर्फ सिंपल आएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बाय 3, है ना, रिलेट कर सकते हैं उससे, है ना, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो जब भी ये a का पोजीशन वेक्टर b का c का दे रखेगा, i j और k के भी फॉर्म में दिया जा सकता है, और फिर बोला जाएगा कि सेंट्राइड का केंद्र का आपको आप जो है कोऑर्डिनेट बताइए, तो क्या करना है, तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर को जोड़ करके बाय 3 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए, छोटा सा था है ना ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए। चलिए, मैं रब कर दूं इसको अब पूरे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स कब संरेखीय होता है, है ना, वेक्टर फॉर्म में दे रखिएगा, तीन पॉइंट पोजीशन वेक्टर तीनों पॉइंट का दे रखिएगा, और फिर उसका कॉलिनियरिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको बताना है कि कब वो कॉलिनियर होंगे। ठीक है, थोड़ा सा भींग गया बोर्ड। ठीक है, बोर्ड गीला हो जाता है तो उसमें दिखता नहीं है यार, कहाँ चला गया। चलिए इसी को रब कर देते हैं। लिखेंगे अगला हेडिंग जो है कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, ऑफ थ्री पॉइंट्स। ठीक है, कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स का संरेखीय। ठीक है, तीन पॉइंट्स दे रखिएगा, वो कब कॉलिनियर होगा कब संरेख होगा इसको बताना है। ठीक है, लेट थ्री पॉइंट्स आर ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी एंड सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी। ठीक है, ये चीज दे रखा है और उसके बाद आपको बताना है कि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर कब होंगे। तो हम जो है इसका एक रफ आइडिया लेते हैं, ए जैसे ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर वेक्टर एक, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है। अब तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, है ना, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, मतलब आप देखिए इसको मैं क्या करूंगा, ए को पकड़ेंगे, है ना, कॉलिनियर का मतलब संरेख। ठीक है, ए बी वेक्टर, ठीक है, इसको मैं पकड़ दिया ए बी और फिर ए को ही पकड़ेंगे, एक बार ए बी फिर दूसरी बार में ए सी, ठीक है, बराबर लेमडा टाइम्स। अगर ए बी वेक्टर इक्वल लेमडा टाइम्स ए सी वेक्टर आता है तब जो है पॉइंट्स ए बी सी क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे, है ना। ये कब आता है, है ना, ए बी बराबर वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम्स वेक्टर बी कब होता है, जब कॉलिनियर होता है तभी तो होता है ना। तो इसका मतलब ए बी एक वेक्टर बना और ए सी भी दूसरा वेक्टर बना, अगर ए बी इक्वल लेमडा टाइम्स ए सी आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉलिनियर होंगे तीनों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर स्थित होंगे। ओके, तो जब भी कॉलिनियरिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा तीन पॉइंट्स दे रखिएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी एक को पकड़ना है, है ना, ए बी इक्वल लेमडा टाइम्स ए सी के इक्वल होना चाहिए, है ना, लेमडा कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, लेमडा बिलोंग्स टू स्केलर नंबर। ठीक है, चाहे लेमडा कुछ भी, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है ना। तो
ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी तीन पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो तीनों क्या रिलेशन होंगे, है ना, कोई एक पॉइंट को पकड़ना है तो ए बी इक्वल लैम्डा टाइम्स ए सी, अगर बी को पकड़े हैं तो बी ए बराबर बी ए इक्वल लैम्डा टाइम्स बी सी हो जाएंगे, ठीक है। किसी एक को पकड़ना है तो उसी को लेकर, जैसे सी सी वेक्टर सी को पकड़े तो सी ए इक्वल लैम्डा टाइम्स सी बी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सुविधा के लिए यहां से ध्यान रखते हैं कि ए बी इक्वल लैम्डा टाइम्स ए सी, बाकी आप करने का कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल देखते हैं कि किस तरह से सवाल रहते हैं कॉलिनियरिटी पर, है ना, सवाल भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में खासतौर पर, तो हम लोग सवाल को देखेंगे। चलिए सवाल सवाल कहाँ है भाई, हाँ मिल गया सवाल, तो सवाल देख लीजिए। सवाल ये है कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजिशन वेक्टर -2i +3j +5 वेक्टर के आई +2j +3 वेक्टर के एंड 7i -k वेक्टर रिस्पेक्टिवली आर कॉलिनियर, ठीक है। कॉलिनियर का तो आप लोग बचपन में ही मतलब जानते हैं कि तीन पॉइंट्स कॉलिनियर होगा तो इसका मतलब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो एक ही लाइन पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो तीन पॉइंट से हम दो वेक्टर बना लिए ए बी और ए सी वेक्टर, ए बी और ए सी वेक्टर अगर कॉलिनियर है तो ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स ए सी होता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बोले कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर दिस आर कॉलिनियर, है ना, ये कॉलिनियर होगा। तो हम ए का पोजिशन वेक्टर दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, ठीक है। तो हम यूं लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, तो ए दे रखा है, ए का पोजीशन गिवन, ए का पोजीशन वेक्टर बोल रखा है यहां पर -2i +3j +5 वेक्टर के, और बी का पोजीशन वेक्टर बोल रखा है, ठीक है, i +2j +3 वेक्टर के, और सी का पोजीशन वेक्टर बोल रखा है 7i -k, ओके। अब ये साबित करना है कि कॉलिनियर है, तो मैंने बोला कि किसी एक को पकड़ना है ना, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ना है, इन जनरल हम ए को पकड़ते हैं तो ए बी वेक्टर, ठीक है ना, इसको ही ध्यान रखते हैं, ए बी इक्वल लैम्डा टाइम्स ए सी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर का मतलब बी का, ए बी वेक्टर निकालना, बी का पोजिशन वेक्टर माइनस ए का पोजिशन वेक्टर, अगला वाला का पोजिशन वेक्टर माइनस पिछला वाला का पोजिशन वेक्टर, ये तो करते हैं, है ना, पोजीशन वेक्टर जब पढ़े थे तो वहां पर हम लोगों ने सीखा था, ए बी वेक्टर निकालना तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो बी का पोजीशन वेक्टर आई कैप +2j कैप +3j के कैप, और बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर -2i कैप +3j कैप +5 के कैप, ओके। अब जो है आई कैप +2j कैप +3k कैप, और माइनस से इंटू हो जाएगा +2i कैप -3j कैप -5 के कैप, आई कैप +2i कैप आ जाएंगे 3i कैप, 2j कैप -3j कैप -j कैप आ जाएंगे 3k कैप -5 कैप के कैप, तो -2k कैप आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका ए बी वेक्टर, ओके। फिर ए बी वेक्टर, फिर ए सी वेक्टर करना है, ए सी वेक्टर, ठीक है, ए सी वेक्टर आपको निकालना है, ए सी वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर 7i माइनस के, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर -2i +3j +5 वेक्टर के, ओके। 7i माइनस के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे 2i -3j -5 वेक्टर के, 7i +2i कितना आई 9i आ जाएंगे, ठीक है, माइनस के माइनस, देखो आई हो गया, उसके बाद जे देखिए यहां पर तो जे नहीं है, -3j आ जाएंगे, और के कितना माइनस के, और माइनस के अब -5 के, है ना, कितना आ जाएगा -6 के, ओके। अब ए बी और ए सी में रिलेशन दिखाना है नो जब भी देखा ना तो आप क्या करें, ए बी
वेक्टर बाय ए से वेक्टर कर दीजिए, क्या करेंगे ए बी वेक्टर बाय ए सी वेक्टर, ए बी कितना है 3i माइनस जे माइनस टू वेक्टर के, और ए सी वेक्टर 9i माइनस 3j माइनस 6 वेक्टर के आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है 3i माइनस जे माइनस 2 वेक्टर के, अब यहां से नीचे देखिए 3 कॉमन है ना, यकीनन कॉमन तो होगा ही होगा, अगर कॉलिनियर हैं तो कॉमन कुछ ना कुछ आएगा और कुछ कैंसिल होकर आएगा लेमडा टाइम्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 एलसीएम लेंगे कॉमन लेंगे तो 3i माइनस जे और माइनस 2 वेक्टर के। ओके, अब देख सकते हैं ये चीज और ये चीज कैंसिल, तो ए बी वेक्टर बाय ए सी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा है ना 1/3 बचा इधर, तो 1/3 ए सी वेक्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं यही चीज, ए बी वेक्टर इक्वल लेमडा टाइम्स ए सी वेक्टर, लेमडा कोई भी स्केलर नंबर है ना, लेमडा बिलोंग्स टू स्केलर। ठीक है, लेमडा स्केलर नंबर हो गया, लेमडा टाइम्स ए सी वेक्टर आ गया, सो पॉइंट्स आर क्या लिख देंगे कॉलिनियर, क्या लिखेंगे सो पॉइंट्स आर कॉलिनियर, इसलिए पॉइंट्स कॉलिनियर होगा। तो जब भी तीन पॉइंट्स दे रखेगा और कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, तो इसी तरह से आपको ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर बाय ए सी वेक्टर करना है, कुछ में कॉमन आएगा है ना, कटे छटेगा, और उसके बाद कटने के बाद ए बी वेक्टर इक्वल लेमडा टाइम्स ए सी वेक्टर, लेमडा की जगह पर कोई भी स्केलर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 1/2 1/3 कुछ भी आ सकते हैं। ओके, तो ये जब भी ऐसा आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दो वेक्टर जब भी ए और दो वेक्टर आता है, मैंने पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर अगर कॉलिनियर होता है तो वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होता है ना, तो उसी तरह से ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कॉलिनियर है, तो इसका मतलब ए बी वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ए सी वेक्टर, लेमडा की जगह पर कोई भी स्केलर नंबर आ सकता है। ओके, तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते कि ये आपको समझ में आ गया, और चलिए आज का लास्ट सवाल, कॉपी तो कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, कुछ लोग को शिकायत रहता है भाई स्क्रीनशॉट बड़ा जल्दी मिटा देते हैं, भाई साहब मैंने कई बार बोला है कि तीन फिंगर्स रखिए ऐसे कीजिए है ना, स्लाइड कीजिए स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीनशॉट हो जाता है। ठीक है, और बटन दबाते रहिएगा निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है ना, मॉडर्न टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए। ठीक है, थ्री फिंगर्स रखिए ऐसे स्लाइड कीजिए, आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। ठीक है, चलिए कुछ क्लास में गैपिंग हो गया। ठीक है ना, और कारण ये था कि मैं थोड़ा गांव चला गया था। ठीक है, और घर से प्रेशर था कि मतलब आ जाइए। ठीक है, तो इस वजह से और गैपिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि छुट्टी भी चल रहा था, घर वालों को भी प्रेशर रहता है। ठीक है, उम्मीद करते कि अब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट जो सवाल है, मैं सवाल पहले इधर मिटा दूँ। जो भी सवाल लेते हैं भाई बहुत ही अच्छा सवाल होता है, और इन जनरल जो भी एग्जाम में आएंगे है ना, चाहे बोर्ड एग्जाम में या जेई के एग्जाम में, जिस तरह के सवाल करवा रहे हैं या तो यही सवाल रहेगा या इसी तरह के सवाल रहेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे हैं, प्रूव दैट द थ्री पॉइंट्स वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर सी एंड माइनस 7 वेक्टर बी प्लस 10 वेक्टर सी आर कॉलिनियर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये कॉलिनियर है, प्रूफ दैट है ना, थोड़ा सा हल्का लिखा गया है, प्रूफ दैट। तो ये प्रूफ करना है कि ये तीन पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट्स, ये दूसरा, ये तीसरा कॉलिनियर होगा। तो क्या करना है ना, लेट मान लेना है सॉल्यूशन में, हम मान लेंगे लेट ए का पोजीशन वेक्टर ये मान लेना है, वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी और प्लस 3 वेक्टर सी, और बी का पोजीशन वेक्टर 2 वेक्टर ए और प्लस 3 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर सी, और सी का पोजीशन वेक्टर माइनस 7 वेक्टर बी प्लस 10 वेक्टर सी। ठीक है, ए बी सी का पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने मान लिया, इसके बाद क्या करना है,
एबी बराबर लेमडा टाइम्स एसी दिखाना है तो एबी वेक्टर निकाल लेना है ना, यही चीज तो दिखाना है। एबी इक्वल लेमडा टाइम्स एसी, लेमडा की जगह पर कोई भी स्केलर नंबर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है, स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर। एबी वेक्टर निकालिएगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी आपका 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर सी, और माइनस ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, ओके। और 2 वेक्टर में एक वेक्टर चला गया, एक वेक्टर बचेगा, 3 वेक्टर और प्लस 2 वेक्टर कहे तो 5 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर और माइनस 3 वेक्टर माइनस 7 वेक्टर सी, ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर। फिर हम क्या निकालेंगे, एसी वेक्टर निकालेंगे। एसी वेक्टर जब निकालेंगे तो एसी वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस 7 वेक्टर बी प्लस 10 वेक्टर सी, और सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, ठीक है, माइनस 7 वेक्टर बी, माइनस 7 वेक्टर बी प्लस 10 वेक्टर सी, और माइनस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर सी, ओके। अब माइनस वेक्टर ए आ जाएंगे यहां पर, माइनस 7 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी है ना, तो कहे तो माइनस 5 वेक्टर बी आ जाएंगे, और 10 वेक्टर सी और प्लस 3 वेक्टर सी है ना, आपका कितना 7 क्या आ जाएंगे, प्लस 7 वेक्टर सी आ जाएंगे, ये ए सी रहा, ठीक है। ए बी नो, अब अगेन उसी तरह से करना है, क्या करना है, ए बी वेक्टर बाय ए सी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या है, वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी माइनस 7 वेक्टर सी बाय ए सी वेक्टर, माइनस ए वेक्टर माइनस 5 वेक्टर बी प्लस 7 वेक्टर सी, ठीक है, और वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी माइनस 7 वेक्टर सी बाय माइनस कॉमन लीजिएगा, वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी और माइनस कॉमन ले रहा हूं प्लस 5 वेक्टर माइनस 7 वेक्टर सी, ठीक है, आप देख सकते हैं कैंसिल आउट, ठीक है, ए बी वेक्टर बाय ए सी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर बाय ए सी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, कट जाएंगे तो 1 आ जाएंगे, तो ए बी वेक्टर इक्वल क्या आ जाएंगे, माइनस 1, माइनस भी रहेंगे माइनस 1 ए सी वेक्टर, ठीक है, तो ए बी वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ए सी वेक्टर आ गया है ना, तो लेमडा की जगह पर क्या है, लेमडा इक्वल माइनस 1 है ना, हेंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ओके, ठीक है, अतः जो पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।